अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का बिज़नेस आइडिया भी बहुत हाईफाई और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस आइडिया है, जिसे आप घर बैठे बआसानी कर सकते हैं। मशीनरी पर आपको जस्ट एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी और इस पर कोई ज़्यादा लागत नहीं आएगी। इस मशीन को चलाने के लिए आपको किसी किस्म के भी बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको एक छोटी सी मशीन चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आपका घरेलू बिजली का कनेक्शन ही आपको काम दे देगा। आज के इस बिज़नेस में जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इसकी डिमांड इतनी है कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी और ये प्रोडक्ट आपने कहीं पर भी बनती नहीं देखी होगी। इस बिज़नेस को करने के लिए मशीनरी आप लोगों को कहाँ से और कितने की मिलेगी, रॉ मटेरियल में कौन सा माल इस्तेमाल होता है और कहाँ पर आप जाके सस्ता और काफी क्वांटिटी में उठा सकते हैं, और इस मशीन के अंदर आप लोगों को फिल वक्त काम शुरू करने के लिए दो डाइयों की जरूरत पड़ेगी, वो आप कहां से बनवाएंगे, जगह कितनी दरकार होगी इस बिजनेस को करने के लिए। इस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद आपको पैकिंग की भी जरूरत पड़ेगी, इसको पैक करने के लिए वो कहां से बनवाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नाजरीन इसी वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, आज का बिजनेस आइडिया मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक, यहाँ तक के 22 व्हीलर गाड़ियों के जोड़ से लेदर्स होते हैं, वो आप लोगों ने बनाने हैं, और इसकी डिमांड के बारे में मुझे शायद बताने की मजीद जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोग खुद बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इस मशीन को जो आप देख रहे हैं, ये एक मैनुअल मशीन है जो हाथ से ऑपरेट करेंगे, और इस मशीन से आप एक नहीं बल्कि हजारों चीजें बना सकते हैं। ना सिर्फ के मोटरसाइकिल्स के लेदर गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, ट्रकों में, 22 व्हीलर गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो आप इसी मशीन से तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, और वो तमाम आप इस 40,000 की मशीन से तैयार करके मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉपों पर होलसेलर हजरात को फरोख्त करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मार्केट में बनी हुई मोटरसाइकिल्स की वर्कशॉप्स पर खुद जाकर माल फरोख्त करें, इससे आपको पता नहीं है कि आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों को एक और बात कन्फर्म करता चलूं कि आप जिस रॉ मटेरियल से ये लेदर या मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स पार्ट्स तैयार करेंगे, वो पुराने लेदर्स, बाइक पार्ट्स, गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा खराब पार्ट्स जो कि अक्सर उत्पाद वर्कशॉप वाले कबाड़ियों को फरोख्त कर देते हैं, वो सारे का सारा रॉ मटेरियल अगर आप उनसे खरीद लेते हैं, और ये एक सूरत में हो सकता है, और इससे आपको 3 गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसा कि नंबर 1, जो आप प्रोडक्ट्स तैयार करने के बाद मार्केट में इन गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों की वर्कशॉप पर जाकर सेल करते हैं, एक तो इससे जो आप प्रोडक्ट तैयार करके उनको सेल कर रहे हैं, एक तो मुनाफा आप उससे हासिल करेंगे, और दूसरे नंबर पर जो उनके पास खराब रॉ मटेरियल कबाड़ में पड़ा होगा, अगर आप उनसे वो वाला माल उठाते हैं, एक तो वो आपको सस्ता मिलेगा और उसको रिप्रोड्यूस करके नए पार्ट्स बनाने में भी आपको ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3, अगर आप एक्स्ट्रा माल तैयार करते हैं तो आप लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए होलसेलर्स हजरात वर्कशॉपों पे जोन से पूरे छोटे छोटे दुकानदारों को माल फराहम करते हैं, बेचते हैं, आप उनको अप्रोच करके ज्यादा क्वांटिटी में जोन से आप एक्स्ट्रा माल तैयार कर रहे हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। एक आप लोगों को भट्टी तैयार करनी पड़ेगी, उसमें आप लोगों ने किसी किस्म का भी फर्नेस या ब्लोअर लगा के आप इसको हीट करेंगे, और जोन से भी रॉ मटेरियल कबाड़ में होगा वो ऊपर से डालेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उसमें से जो जोन से एक पैमाना बना हुआ है, इस पैमाने की मदद से आप डाई में माल डालेंगे और इससे देखते ही देखते चंद ही सेकंड्स में आपकी लेदर्स बनके तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों ने इसकी कुछ फिनिशिंग करने के बाद, ये छोटे से आप डाई देख रहे हैं, इसमें सिलिकेट और एक सॉल्यूशन होता है जो कि इसके ऊपर लगाया जाता है, और इसके ऊपर फिर बाद में ये लेदर्स के जोन से ब्रेक शू होते हैं, ये इसके ऊपर पेस्ट किए जाते हैं। पेस्ट करने के बाद ये एक छोटी सी डाई है, इसकी मदद से इनको टाइट किया जाता है और कुछ देर के लिए रख लिया जाता है ताकि ये खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद ये छोटी सी एक मशीन है जिसमें इसको दोबारा रख के इसको थोड़ी सी हीट दी जाती है,
जिससे ये इसके लिक्विड जो सोल्यूशन होता है वो अच्छे से इसको ग्रिप कर लेता है। इसके बाद आप लोगों ने करना ये होता है कि इसको सिंपल इसमें से निकाल के इसको इस छोटी सी मशीन से इसकी जो साइड है उसको आपने फिनिशिंग में देना होता है, जिसकी इसकी सफाई आ जाती है और इसको आपको रेट अच्छा मिलेगा। बस इतना सा आप लोगों ने काम करना है और इसके बाद आप लोगों ने नाजरीन इसको पैकिंग में कन्वर्ट कर देना है। जो भी अपना आप नेम सजेस्ट करते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, उस पर आपने काम करना है और मार्केट में इसको पैक करने के बाद सेल कर देना है। जस्ट इतना सा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और अगर आप ये साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो इसको काम करने के लिए आप लोगों को मशीनरी पे जो से इन्वेस्ट होगा वो कम से कम आपका 70,000 रुपये आएगा। रॉ मटेरियल में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपये में आप अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना एरिया कवर कर सकते हैं। जस्ट अगर आप ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और ये आप खुद भी समझदार हैं, ये जो आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान मेथड है, इसमें आप लोगों को किसी किस्म की मजीद परेशानी की जरूरत, मतलब कि इसमें ना तो आपको किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा, एक बार राम ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, बल्कि जो पड़ा होगा ये सिल्वर फॉर्म में होता है और सिल्वर का फॉर्म मतलब सिल्वर का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसमें आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।